सुपरस्टार प्रभास और कृति सेनन की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष आज यानी 16 जून को थिएटर में रिलीज हो गई है। प्रभास भगवान राम के किरदार में छा गए हैं। रिलीज होने के साथ ही फिल्म ट्विटर पर छा गई है। लोग आदि पुरुष को काफी पसंद कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर भी आदि पुरुष ताबड़तोड़ कमाई करने वाली है। बताया जा रहा है कि प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष पहले दिन बंपर कमाई करने वाली है। हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि हर थिएटर में हनुमान जी के लिए एक सीट खाली रखी जाएगी। इस बीच कई थिएटर्स की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें बजरंग बली के लिए एक सीट खाली रखी गई है। दरअसल आदि पुरुष के ट्रेलर लॉन्च के समय डायरेक्टर ओम रावत काफी इमोशनल हो गए थे और उन्होंने कहा था कि जहां भी रामायण का पाठ होता है वहां हनुमान जी जरूर आते हैं। इसके बाद उन्होंने सभी थिएटर मालिकों से निवेदन किया था कि वे एक सीट हनुमान जी के नाम पर खाली छोड़ दे। इसके बाद अब फिल्म रिलीज होने के बाद कई तस्वीरें और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिनमें देखने को मिल रहा है कि थिएटर में खाली सीट पर हनुमान जी की फोटो रखी गई है। इसके साथ ही एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। एक थिएटर में सच में बंदर को देखा गया है। लोगों का मानना है कि बंदर के रूप में हनुमान जी फिल्म देखने आए थे। बताते चले कि प्रभास की फिल्म आदि पुरुष की तगड़ी एडवांस बुकिंग हुई है। इससे ये साफ हो गया है कि फिल्म पहले दिन ताबड़तोड़ कमाई करने वाली है। वहीं फिल्म को लेकर लोगों के प्यार को देखने के बाद ये गलत नहीं होगा कि आदि पुरुष पठान और केजीएफ 2 जैसी मूवी को कई टक्कर देने वाली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ओपनिंग डे पर प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आदि पुरुष को लोग कितना प्यार देते हैं और ये मूवी कैसा परफॉर्म करती है। आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।